सांवेर के ही नज़दीक एक गांव है बड़ोदिया, जहां पर हम अभी इस वक्त मौजूद हैं। यहां एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यहां पर हड़कंप मच चुका है। हालांकि महिला की मृत्यु हो चुकी है, और क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं। यहां पर क्या कौन है मतलब पेशेंट जो जिनका भी कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट है? ये पेशेंट इंदौर से आए हुए थे और जो है करीब 12 से 15 दिन यहाँ रह रहे थे। तो ये क्या थे इनके जिनके रिलेशन? ये इनकी भगत सिंह जी की सासू माँ थी। अच्छा। और जो है इनकी मंगलवार के दिन से तबीयत खराब हुई और उसी टाइम इनको एडमिट करवा दिया। तो रिपोर्ट क्या अभी आज आई क्या? हाँ, रिपोर्ट आज ही पता चला है। अच्छा। तो सर अभी जो यहाँ कोरोना पॉजिटिव की जो जानकारी मिली, क्या मामला है पूरा? जी यहाँ पर क्या है, एक रुकमा भाई पति गब्बू सिंह 70 साल की उम्र के थे, जो कि राजनगर इंदौर से यहाँ आए थे, कुछ दिन रुके भी थे, और उनको सर्दी खांसी ऐसी कुछ कंप्लेंट थी, और वो सांवेर सरकारी अस्पताल में दिखाने भी आए थे। फिर वो वहाँ से कोरोना की सैंपलिंग के लिए इंदौर गए थे और पता चला कि वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। खैर उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो उनके परिवार के लोग हैं, लगभग 13-14 लोग जो उनके परिवार के थे या मतलब जो उनके साथ में रहते थे यहाँ, भगत सिंह जी और ये सब, तो उनकी सैंपलिंग के लिए हमने वहाँ पर इनको पहुँचाया है। लगभग 13-14 लोग खुद ही अपनी मर्ज़ी से सैंपलिंग के लिए गए हैं, और अभी फ़िलहाल में जो जो उनके कॉन्टेक्ट में थे, तो उनकी 36 लोगों की हमने स्क्रीनिंग करी है। 36 लोगों में से ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, और बाकी लोगों की जब भी रिपोर्ट आएगी फिर आपको बताएंगे। डेथ क्या हुई इनकी? इनकी डेथ मुझे आज पता चला कि उनकी डेथ हो गई, कल ही डेथ हुई है उनकी, और फिर परिवार लगभग घबरा गया था, उनका परिवार मतलब जो उनके साथ में रहते थे। तो बाकी अभी फ़िलहाल में वो स्वस्थ हैं, 13-14 लोग जो सैंपलिंग के लिए गए हैं, लेकिन फिर भी सैंपलिंग करवाना उचित समझा, तो वो अभी आज सैंपलिंग हो जाएगी उनकी, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हमें पता चला यहाँ पर कई लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई है, और कुछ लोगों को, घर के लोगों को MY हॉस्पिटल भेजा गया, जिनकी सैंपलिंग के बाद ही सारी चीज़ों का खुलासा होगा। दोपहर न्यूज़ लगातार लोगों से अपील करता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितना हो सके अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें। बार बार अपील करने के बाद भी लोग भीड़ कर रहे हैं बाजारों में, जो कि सांवेर नगर के लिए भी बहुत घातक हो सकता है। दोपहर न्यूज़ से अखिलेश पवार के साथ जितेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट।